खबरों में आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में पहले बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री और फिर प्रसिद्ध कथावाचक प्रदीप मिश्रा की कथा हुई। इसके बाद अब 7 दिनों तक सुप्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक श्री देवकी नंदन ठाकुर जी की कथा चल रही है, जिसमें हजारों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। कथा के 6वें दिन कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने कथा के पहले प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि राम राज्य की परिकल्पना से ही हिंदू राष्ट्र का सपना साकार होगा। कृष्ण जन्मभूमि मुक्त कराने का आदेश कोर्ट से नहीं मिलेगा, तब तक सनातनियों को जगाने का कार्य जारी रहेगा। भारत विश्व गुरु कब बनेगा, इसको लेकर उन्होंने कहा है कि पूरे विश्व का गुरु भारत आज भी है। हम जैसा चरित्र कहीं नहीं है और हम जैसा दया भाव कहीं नहीं है। हम लोग कहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, कौन कहता है ये? हम सनातनी, और जो ये कहता है मैं जिंदा रहूं बाकी सब मर जाएं, जो कहता है मेरे पूजा के स्थान रहें बाकी सब तोड़ दो, वो गुरु हो सकता है क्या? ये तमाम चीजें देवकी नंदन ठाकुर ने कही हैं। तो बता दो चले कि कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर की कथा चल रही है। इस दौरान उनका श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर बड़ा बयान सामने निकल कर आया है। उन्होंने कहा है कि जब तक कोर्ट से श्री कृष्ण के मुक्त होने का आदेश नहीं आ जाता, तब तक वो सनातनियों को जगाते रहेंगे। राजगढ़ में देवकी नंदन ठाकुर की कथा का आयोजन चल रहा है और इस दौरान उनका बड़ा बयान सामने निकल कर आया है। कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर का ये बयान सामने निकल कर आया है। उन्होंने कहा है कि हम सनातनियों को लगातार जगाते रहेंगे जब तक श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में कोर्ट का आदेश नहीं आ जाता है। हम सभी सनातनियों से एक और प्रार्थना करेंगे। हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही कृष्ण भूमि की, ईदगाह की सर्चिंग की, कि वहां पर सर्च होना चाहिए, वहां पे जाके परीक्षण होना चाहिए, वहां एसआई के द्वारा ऐसी जांच हो जिस जांच में पता चल सके कि वो स्थान किसका है। और मैं दावे से कहता हूं, जैसे ज्ञान वापी में सनातनी सबूत निकले, वैसे ही ईदगाह में भी सनातनी सबूत निकलेंगे। दूसरा, आगरा की जामा मस्जिद में जो भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला, भगवान गोविंद की जो मूर्तियां हैं, छवियां हैं, जिन्हें औरंगजेब और उनके दुष्ट सागर लोग मंदिर तोड़ने के बाद लेके गए थे, जिसपे हमने केस भी करवा रखा है, लड़ाइयां जारी है, उसकी भी 8 जनवरी है, उस केस की भी 8 जनवरी है। हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है आगरा कोर्ट को कि उसे भी 6 महीने के भीतर भीतर पूरा किया जाए, पता किया जाए कि वहां क्या सिस्टम। तो मैं इन्हीं सब विषयों को लेके आप सबको अवगत करा रहा हूं और जगह जगह जाकर, चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, यहाँ पे मैं, और इसके बाद में जा रहा हूँ मुंबई महाराष्ट्र में, वहां पर भी सनातनियों को जगाने का प्रयास कर रहा हूं। और हम किसी से द्रोह नहीं चाहते, हम किसी से लड़ना नहीं चाहते, पर राम कृष्ण और शिव हमारे प्राण हैं, उनके लिए तो हमें अपने अधिकार की बात करनी ही चाहिए। और इसके लिए तो हमारा संविधान हमें राइट देता है, इट्स माय फंडामेंटल राइट, कि मैं अपने देवी देवताओं के सम्मान के लिए अपनी आवाज आप लोग चैनलों के माध्यम से उठा सकूं। अभी आज इसी के लिए बहुत बड़ी सनातन यात्रा, कृष्ण जन्मभूमि का निर्माण हो, कृष्णम भूमि मुक्त हो, जामा मस्जिद की जांच हो, इन सब विषयों को लेकर बहुत बड़ी यात्रा आज शाम को आफ्टर कथा यहाँ इस छापी हेड़ा मध्य प्रदेश में निकलेगी। मैं आप सब चैनल वालों से भी निवेदन करूंगा, आप सब सनातनी हैं, आप हमारे दर्द को समझिए, आप हमें समझिए, हम किसी से फाइट नहीं चाहते, पर अपने कृष्णम भूमि को मुक्त चाहते हैं, अपने कन्हैया को पैरों तले उछलते हुए अब हम नहीं सह सकते। अगर हम सनातनी हैं तो ये दर्द हमारे मन में है, हम अपने माँ बाप की फोटो को नहीं देख सकते किसी के पैरों के नीचे, वो तो हमारा भगवान है,